नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस में। मैं कक्षा 10 की गणित लेके आया हूँ, समांतर श्रेणी का भाग 5। आइए देख लेते हैं इसमें ये एक्सरसाइज आपकी कौन सी है। 5.2 है, ठीक है दोस्तों। 5.2 का दूसरा सवाल नहीं बता रहे हैं, तीसरे सवाल से बता रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा सवाल होगा अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो अपने आप हो जाएगा, वो विकल्प है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है 2 और खाली स्थान 26। ये ऐसे आपके सारे सवाल दिए, तो आइए देख लेते हैं। पहला ही सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल में खाली स्थान दिया है यानी 2 और खाली स्थान 7 में कितना दिया है, 26 दिया। दोस्तों हमने समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ा है। जो व्यापक पद होता है क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी। दोस्तों तो ये इन दोनों की आपस में अगर तुलना की जाए तो ए बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और ए प्लस टू डी बराबर कितना मिलेगा, 26। तो ए प्लस टू डी बराबर कितना मिल जाएगा, 26। ए में कितना रखेंगे, 2 प्लस टू डी बराबर कितना आ जाएगा, 26। तो 2 इधर कितना आ जाएगा माइनस में, तो टू डी बराबर कितना मिलेगा, 24। मतलब 26 माइनस 2 तो 2D बराबर कितना मिलेगा, 24। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 12। तो D बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 12। अब यहीं भी क्या करना है, जब हमें इसका मान निकालना है a प्लस डी का, तो a प्लस डी बराबर कितना होगा, 2। a का मान 2, d का मान कितना आया, 12। तो a प्लस डी बराबर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे हम 14 क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल इसी प्रकार देख लेते हैं। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। 2 क्या दिया है, खाली स्थान पहले आपका दिया हुआ है, फिर 13 दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, फिर आपका 10 दिया हुआ है। इसको दोस्तों जब भी सॉल्व करेंगे तो इसे भी मानेंगे a, और ये क्या होगा a प्लस डी व्यापक पद, ये प्लस a प्लस 2d होगा, और इसे मानेंगे a प्लस 3d। दोस्तों तो यहाँ पे इसकी तुलना इससे होगी तो a प्लस डी बराबर कितना मिलेगा, 13। समीकरण एक बनेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। समीकरण नंबर 2 दोस्तों इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, घटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2d आएगा। इसे घटाएंगे तो 10 आएगा, 2 का भाग देंगे 5 में, तो डी बराबर आएगा माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब d का मान माइनस 5 आ गया तो यही d का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस 5 बराबर 13। तो a बराबर कितना मिलेगा, इधर 5 तो 5 देना 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 भर जाएगा। यहाँ पे a प्लस 2d है तो a का मान 18 है ही है, प्लस 2 गुणे d का मान कितना, माइनस 5, तो माइनस 5, तो 5 दुनाई 10 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं, थर्ड नंबर। दोस्तों थर्ड नंबर आपका क्या दिया हुआ है, तो जब थर्ड नंबर देखेंगे तो थर्ड नंबर क्या दिया है, इसे a मानेंगे, क्या करेंगे a और a प्लस डी, अगला a प्लस 2d, अगला a प्लस 3d। सवाल इसके ऊपर लिख लीजिएगा सेम। तो ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो a बराबर कितना मिलेगा, 5। a बराबर कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा,
और लास्ट का यानी ये वाला पद इतना होगा, तो a प्लस 3d बराबर कितना मिलेगा, 9 सही 1/2। तो a का मान कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे प्लस 3d बराबर, इसको साफ करना दो, 18 18 19/2, उधर जाएगा माइनस में, तो 3d बराबर कितना आएगा 19/2 माइनस 5, तो 3d बराबर क्या मिलेगा, इसके इसमें गुणा करेंगे, 5 2 9 10 होगा, और ये 19 माइनस 10/2, इसको घटाएंगे तो d बराबर कितना मिलेगा बताइए, घटाएंगे तो कितना 9/3 का गुणा 6 में, तो 3 2 9 6, 3 से काटेंगे 3 3 का नाम 3 2 9 6, तो ये आएगा दोस्तों 3/2, तो d का मान आपको कितना मिला 3/2 मिल गया है। a का मान दिया है, अब हम सारे पद निकाल लेंगे, तो बताइए यहाँ पे है दूसरा पद a प्लस 2d निकालना है, तो a प्लस d बराबर आएगा, a का मान कितना दिया है 5 दिया है, 5 प्लस ये 3/2, ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हमें लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 5 2 10 3 11 11/2, अब इसको भाग देंगे तो 2 6 12 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे इस विकल्प में 6 सही 1/2। अगले वाले में हमें क्या भरना है, a प्लस 2d भरना है, a प्लस 2d के लिए a का मान 5 रहेगा, d का मान अभी हमने ये निकाल लिया है, तो यहाँ पे कितना a प्लस 2 तो रहेगा ही, गुणते 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 3 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 8। इसी प्रकार इसको लगा सकते हैं, और इसी प्रकार ये अभी जो दूसरे की तरह ये है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। इसी के क्रम में अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, चौथा सवाल इसी का है, AP 3 8 13 18 = 77 है, तो इसमें आप मान लेंगे कि ये पद a बराबर दिया है, तो लिखेंगे क्या 3 8 13 और 18 ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। a बराबर प्रथम पद क्या होता है, 3 जो शुरू का पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, इसके बाद हम d निकालेंगे, जब d निकालेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे, तो 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कह रहा कौन सा पद ये 78 है, तो मान लेते हैं, माना tn बराबर कितना है 78, मतलब nवां पद क्या है 78 है दोस्तों। यहाँ पे हम लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से, ये फार्मूला है दोस्तों। अब बताइए tn कितना दिया है 78 दिया है, बराबर a का मान दोस्तों कितना दिया है 3 दिया है, प्लस n तो निकालना ही है, d कितना निकालिए हमने 5 निकाला है, ठीक है, तो अब बताइए ये 3 इधर किस में आएगा माइनस में, तो 78 - 3 बराबर n - 1 (5), इसको अगर घटाएंगे तो ये 75 आएगा, और n - 1 (5), 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा 15 5 75, तो ये क्या मिलेगा n - 1 बराबर 15, तो n = 15 + 1 = 16, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसका मतलब है कि 78 16वां पद होगा, कौन सा पद होगा 16वां। इसी क्रम में अगला देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, आपका एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, इसमें हमें ये निकालना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद दिए गए हैं, तो आइए लिख लेते हैं। ये आपका प्रथम पद है, शुरू वाला पद प्रथम पद होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं a से,
इसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, 13 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 7 6 13, 6 आ जाएगा। इसके बाद ये जो ये दिया है इसे अंतिम पद कहते हैं। कौन सा पद, अंतिम पद, और अंतिम पद को L से दर्शाते हैं, तो L बराबर 205। अंतिम पद ही हमारा nवां पद होता है जी दोस्तों। तो L बराबर यहाँ सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू दोस्तों, यहाँ निकालना क्या है, L का मान निकालना क्या है, कितने पद हैं, मतलब N आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब L बराबर कितना दिया है, 205 दिया है, बराबर A का मान कितना दिया है, 7 दिया है, प्लस N आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इंटू डे 5 6 दिया है। अब बताइए ये 7 इधर घटेगा तो 205 में से 7 घटाएंगे, n माइनस 1 इंटू 6 आएगा। जब इसमें 5 घटा देंगे तो ये आएगा 198 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 98 आएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 6, तो n माइनस 1 इक्वल 198/6 आ जाएगा। अब 6 से इसमें अगर भाग देंगे तो 6 3 18, 1 5 18, 6 3 18, 6 कम 6, तो मिलेगा क्या, n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर 34 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। दी गई श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, 34 पद हैं। इसी क्रम में इसका दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है, ये आपका क्या दिया है, ए दिया है, तो ए बराबर कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। यहीं पे आपका डे निकालना है तो 15 सही 1/2 से हमें 18 घटाना होगा, तो क्या आएगा, 15 गुना 31, 31/2 माइनस 18, 18 गुना 36, मतलब 31 माइनस 36/2 घटाएंगे तो -5/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें इसकी निकालना क्या है, n निकालना है, और अंतिम पद कितना दिया है, -47 दिया हुआ है। दोस्तों मैं इस सवाल को सफा कर रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके बाद तो यहीं पे हमारे पास फार्मूला है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डे से, तो L का मान कितना दिया है, -47, A का मान कितना है, 18, N आपको निकालना है, और D का मान कितना दिया है, -5/2, ये 18 इधर आएगा माइनस में, तो -47 -18 बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 8 7 15 4 1 5 1 6 -65 आ जाएगा, इक्वल n माइनस 1 इंटू -5/2। ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसे काटोगे 13 आ जाएगा, 2 का उधर गुणा होगा 13 26 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर होगा 26 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद अगला सवाल इसी में देख लेंगे दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है, क्या एपी 11 8 5 का मधो का 1/105 होगा, -105 होगा और क्यों होगा। तो इसमें ए बराबर कितना दिया है, 11 दिया है, डे निकालेंगे तो 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब मान लीजिएगा एनवा पर दिया है, तो dn बराबर कितना दिया है, -105 दिया। अब यहाँ लगा देंगे dn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो
तो -105 इक्वल a का मान कितना 11 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, ये इधर आएगा तो 105 माइनस 11 इक्वल n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, इसे ऐड करेंगे तो ये 6 a माइनस 116 आ जाएगा इक्वल n माइनस वन इंटू माइनस थ्री। तो n माइनस वन बराबर मिलेगा -116 बटे